तो ये मेरी चौक। तो अभी मैं आगे खाना खा के और पायल को, वहाँ पायल वॉक कर रही है और यहाँ पल्लू को ढाटू मिला है। तो अभी टाइम हो गया 5 बज के और अभी जस्ट सो के उठी क्योंकि बहुत। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आप ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो अभी टाइम हो गया 11:30 का और मम्मी और मैं जा रहे हैं गाँव, क्योंकि गाँव में कुछ टाइम पहले मतलब 11-12 दिन हो गया डेथ हुई थी दादी की, तो वो बीमार थे तो इस करके आज छुट्टी है, तो खाना खाना जाना पड़ता है सब लोगों को। तो हम लोग भी जा रहे हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं। और अभी तक जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, शादी वाले ब्लॉग थे दो, तो हम शादी में गए थे, मेरी कज़न की शादी थी। कज़न भी है और मेरी और फ्रेंड भी है, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। तो पिछले कल हम लोग शाम को घर पहुँचे, बारात के साथ गए, कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। दो दिन से ऐसे ही था, मतलब अच्छे से सोए ही नहीं, फिर मतलब होता है ना, मतलब अजीब से। फिर मैं तो मतलब दुल्हन के साथ ही थी तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब मन नहीं कर रहा था मैं ब्लॉग करने का, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। और जब मैं कल आई तो मैंने उसको बोला भी नहीं कि मतलब कि मैं जा रही हूँ, बस वैसे ही आ गई कि बस मेरे को जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं उसको बोलूँ कि मैं जा रही हूँ तब तक वो रोए फिर से, तो इस करके मैं उसको बोला ही नहीं। तो आज शायद वो लोग आएंगे, अब पता नहीं आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, जैसे पग फेरा होता है कहीं, बट हमारे इसको बोलते हैं दड़ो जाते हैं। जैसे शादी हुई होती है ना लड़की, तो वो अपने फैमिली वालों के घर आती है, परिवार वालों के, फिर वो कुछ लेके आते हैं, पकवान वगैरह सब कुछ होता है, फिर हमारे को भी वापस उसके साथ जाना पड़ता है जब वो वापस जाएगी, कुछ इस तरह का रहता है। तो ये सब कुछ था। और पिछले कल थी 12 तारीख, तो 12 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो बहुत सारे लोगों ने बर्थडे विश किया, फ़ोन भी किया किसी को, तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, किसी को रिप्लाई किया, स्टोरीज़ भी बहुत सारे लोगों ने डाली थी, किसी की बैक मेंशन भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक तो मैं उसके साथ ही थी ना, तो दुल्हन के साथ तो फिर ऐसे ही था यार, मतलब तो मैं नहीं कर पाई ज़्यादा, मतलब बहुत बिज़ी था। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय करके मुझे विश किया, मैसेज किया, स्टोरी डाली, तो मैं आप लोगों का बहुत सारा शुक्र करना चाहूँगी। और जिसकी स्टोरी मेंशन नहीं कर पाई या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो बस यही था, और अभी हम लोग जस्ट गाँव पहुँच गए, तो चलो मिलते हैं अब आपसे बाद में। और जब मैं कल शाम को आई थी तो दीदी भी मिले मेरे को, विशालू दीदी और बुआ वगैरह सब लोग वहीं थे, क्योंकि जो मेरी बुआ है उन दीदी जेठ के बेटे के साथ, क्या बोलूँ यार, जिसके बेटे के साथ उनकी शादी हुई, तो सनी भैया, मैं तो जीजे लगे बट मेरे को भैया बोलने की आदत है क्योंकि पहले से भैया बोलती हूँ, तो इस करके। और वो भी बोल रहे थे कि बोलते तू रहने दे, तू सुबह चले जाइए, मैंने नहीं को जाना है घर। और दीदी बोल रहे थे कि बोलती यही जब बस मेरा तो था कि मुझे घर जाना है, तो कुछ इस तरह का था। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे बाद में, खाना वगैरह खाते हैं, चलते हैं वापस घर की। और आज मौसम ऐसा ही है, धूप नहीं लगी बट गर्मी तो है। तो अभी मैं आगे खाना खा के और पायल को, वहाँ पायल वॉक कर रही है और यहाँ देखो पल्लू को ढाटू मिला है हमारे को, मेरे को आंटी को मिला हुआ है, आंटी और मम्मी को, पायल और मेरे को तो पैसे मिले 10-10 रुपये। तो अभी हम चल पड़े वापस घर और अभी हम कर रहे हैं चाचू का वेट, चाचू भी जा रहे थे तो मैं चाचू चलो लिफ्ट दे दो पार तक जाने के लिए, नहीं चला जा रहा। अच्छा क्यों नहीं, ये निकाल देंगे। और आ जाइए सिलेंडर की गाड़ी, और ये रही दादी, आपको पता है ये हमारे चाचू है जो थोड़े दिमाग से पैदल है। नहीं आ रहे, देखो हमारे हैंडसम चाचू है, सच में ना चाचू, देखो ये मेरे चाचू है। तो ये मेरी चॉकलेट जो तब्बू कल मेरे को मेरे बर्थडे में दी थी इसने, फिर मेरे को मैं नहीं खा पाई, तो मैंने मम्मी की जेब में रखी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। जब हम खा रहे पपीता, और अभी बोलिए मेरे को कि थोड़ा सा शेयर मुझे दे दे अपनी चॉकलेट का, मैं इसको नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरी चॉकलेट है, सॉरी। जल्दी कल ना ये बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ्रिज में रखी थी और अब इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई कि टूट। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया 5 बज के और अभी जस्ट सो के उठी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को, शादी की थकावट और शादी की नींद पूरी नहीं होती और थकावट ख़त्म ही नहीं होती, कुछ ऐसा होता है कोई ना। तो आज मैंने देखा मम्मी ने बनाया सड्डू, तो मम्मी वो पहले उठा रहे थे सड्डू खाने के, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल था, मैं खा लेती हूँ। तो हमारे घर में ना मतलब महीने में 2-3 बार सड्डू बना ही लेते हैं हम लोग क्योंकि बहुत पसंद है सबको। तो सड्डू आज मम्मी ने बनाए हैं, चलो खाते हैं। बाद में खाऊंगी, तो जब भूख लगी तो मज़ा आता है, ऐसे जब भूख नहीं होती तो मज़ा ही आता है खाने में, खाने में बस।
मेरा बर्थडे है कल। मेरा सिड्डू। तो आज अबू भी आया घर और अबू मेरे लिए केक लेके आया, क्योंकि पिछले कल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग शादी में थे और अबू भी घर नहीं आया। तो आज अबू घर आया क्योंकि कल है संडे। अबू तूने मंडे को वापस जाना, तो इस कर हैप्पी बर्थडे। लो पहले ही इसको यूट्यूब फैमिली को तो बड़ा केक। बनाया फिर से सिड्डू। पहले मम्मी ने थोड़े बनाए थे, तो अभी अबू भी आया तो मम्मी ने और बना लिए। दो डब्बों में बनाया और लड्डू चले गई। तो आज डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ को, क्योंकि जब हम दिन को गए थे ना खाना खाने के लिए शुद्धि में, तो वहाँ से वहाँ को खाना दिया है। तो ये है मटर पनीर और एक दूसरी दाल भी दी है, आलू छोले शायद। तो जैसे हमारे गाँव में कुछ फंक्शन वगैरह होता है, जो भी होता है ना फंक्शन हो या फिर जब कुछ ऐसा होता है तो मतलब खाना बचता है तो देते हैं गांव में, देते हैं एक दूसरे को। तो हमारे को दिया बस चावल डाले हमको। तो अभी मैंने चेंज कर दिया और पाया उससे पहले भी था नहीं मतलब कपड़े वगैरह पहने का, तब उन्होंने बोला कि चल अबू दिल्ली इतने पैसे केक लेके आया तो थोड़ी सी फोटोज़ और वीडियो बना लियो। बट फिर रात भी होगी तो मेरा मन भी नहीं करा था, तो चलो। और देखो मेरे हाथ में डोरी, मेरे को मतलब ये जैसे शादी में थे तो जैसे तेल वगैरह डाल देते हो वहाँ लगाई थी, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इनसे, तो मैं इसको निकाल रही हूँ अब। मतलब ऐसी घुटन घुटन सी लग रही है मेरे को इस हाथ में। मेरे को सिर्फ कंगन का ही है कि कंगन की, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है। और ये डोरी देखा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब मैं इसको निकालूँ, तो मैं इसको निकालती हूँ और किसी अच्छी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि शादी किया है तो पवित्र मानते उसका किसको मुझे निकालना पड़ेगा भी। और सब लोग इधर बाहर है, दादी गए दूध को और मम्मी भी बाहर है, दादा टीवी देख रहे हैं बस ऐसे ऐसे। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। अबू अभी घूमने गया है आगे तक, जैसे वो आएगा फिर हम लोग करेंगे डिनर। चावल दो मिनट शायद डाल दिए पहले, थोड़ी देर पहले डाल दिए। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। देर हमने लग गया है।